दोस्तों मान के चलो आप एक रोड ट्रिप पर हो और बस चले जा रहे हो, ना रुककर आपने चाय की चुस्कियां ली, ना खूबसूरत नजारों की फोटोज ली, ना क्या आंखों में कुछ कैद किया, ना आपने गाड़ी में बस म्यूजिक लगाया, बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रहे हो। हाँ, हो सकता है आप मंजिल पर इस तरीके से सबसे पहले पहुंच जाओ, फर्स्ट आ जाओ, अपना सफर जल्दी खत्म कर लो, लेकिन क्या खाक मजा लोगे आप सफर का। आप मंजिल पर पहुंच कर भी थोड़े से नाखुश नजर आओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार पीछे जो अभी लोग आ रहे हैं कितनी मस्ती मस्ती में पहुंच रहे हैं, जब मंजिल पर पहुंचेंगे वो बड़े खुश होंगे। दोस्तों ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, और मेरे प्यारे भाई ने यहाँ पर चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि भैया बोर्ड लूँ या मेंस लूँ, और एग्जांपल इसी संदर्भ में है। मेरे दोस्तों मेरा नाम आदित्य आर्य और मैंने जेडबली मेंस एडवांस 91% से क्लियर किया हुआ है, आप भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन सवाल अब मुद्दा सिर्फ क्लियर करने का नहीं है, सवाल है कैसे क्लियर करें। देखो आज एक रेट रेस लगी हुई है, सब भाग रहे हैं, सबको जल्दी पहुंचना है, सबको दौड़ लगानी है कि बस 12वीं में होते होते ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं IIT में पहुंच जाऊं 12th के साथ, भले से ही मेरा अगला 2-3 साल 11th to 12th सब बेकार, जीवन जीना छोड़ दिया है, बस कमरे में पड़े हुए हैं, सवाल पे सवाल लगाए जा रहे हैं। भाई आराम से, इतनी जल्दी किस बात की है। मैं ये नहीं बोल रहा मेहनत मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा पढ़ाई मत करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि why we have created stress in our life because of this stupid red race। क्यों भागना, और जबकि NTA ने एक नोटिफिकेशन डाल दिया है कि अब आपको 3 मौके मिलेंगे। क्या हो जाएगा अगर आप अपना मेंस 2025 की बजाय 26 में निकाल लोगे, क्या होगा, क्या ही हो जाएगा अगर आपकी नौकरी 2028 की बजाय 2029 में लग जाए, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हाँ मैं एक बात को जरूर बोलता हूँ, मुद्दा ये है कि हाँ मुझे IIT निकालना है, मुझे JEE मेंस एडवांस फोड़ना है, लेकिन स्ट्रेस में नहीं। और आपके सवाल का जवाब मेरे प्यारे भाई कि क्या मैं बोर्ड में प्रिपरेशन करूँ या मेंस करूँ, क्या करूँ, मेरी बात एक सुनिए, अगर आपको 1% भी डाउट है कि मैं अपना बोर्ड नहीं निकाल पाऊंगा या मेरे परसेंटेज डावाडोल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तकलीफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। सीधा सा इसका आंसर है कि आपको बोर्ड की तैयारी पहले करनी है, क्योंकि दो कारण है। एक, देखो ये दो बड़े बड़े टास्क आपने ले लिए, एक बोर्ड भी ले लिया, मेंस भी ले लिया है, तो अगर बोर्ड में 75% नहीं आए तो क्या करोगे JEE निकालने का, कोई फायदा ही नहीं होगा उसका, है ना। दूसरी बात, बिना बात का स्ट्रेस ले रहे हो, 3 मौके है ना, अगले साल जी भर के मेहनत कर लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। आपको अगर 1% भी डाउट है तो स्टॉप दिस थिंग, ठीक है, और मेरे भाई पढ़ाई करो, मजे लूटो ये करो, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है घर वालों का प्रेशर है, पिताजी ने बोल दिया कि इसी साल 12th के साथ निकालना है, पर मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो सोसाइटी, घर वाले, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, समाज, ये सबका एक प्रेशर हमेशा बना रहेगा। सोसाइटी में एक लाइन बना दी है कि 12th के साथ ही अपना एग्ज़ाम निकाल लो, कॉलेज के साथ ही नौकरी ले लो, उसके 2 साल बाद शादी कर लो, उसके बाद बच्चे, ये सब चलता रहता है मेरे भाई, किस किस को कुछ करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये मेंटल स्टेट, आप सोचो खुद से कि आप क्या करना चाहते हो। अगर मैं रेडी हूँ तो करो दोनों चीज़ें, पूरी शिद्दत से करो। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो पहले बोर्ड को प्रायोरिटी दे के अगले साल मेंस पूरी शिद्दत से निकाल लेना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और जो स्ट्रेस लो मत भाई, दे दो, पर लेना नहीं है। समझ में आया मेरी बात, आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी हो। और तैयारी करने के लिए आपको चाहिए होगा टेस्ट सीरीज, तैयारी करने के लिए आपको चाहिए अच्छी बुक्स, तैयारी करने की चाहिए आपको अच्छा टीचर। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द YouTube, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है टेस्ट सीरीज की और अच्छी किताबों की, विच यू कैन हैव इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया है अगर आप रेडी हो अपने मेंस के लिए तो अगले 75 डेज में कैसे 95% आप पहुंच सकते हो। देखना मत भूलिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।